प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पारदर्शिता लाने को लेकर देवघर उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारी को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि जो भी योग्य व्यक्ति है उसका पीएम किसान सम्मान निधि में जोड़ा जाए एवं जिले के 100% किसान को केसीसी से जोड़ा जाए। किसान सम्मान निधि योजना में काफ़ी गड़बड़ी की शिकायत मिल रही थी, उसके बाद इसके सत्यापन का निर्देश दिया गया है। किसान का डाटा बढ़ जाने के कारण बिना जाँच पड़ताल के जिले के अधिकांश महिलाओं का डाटा रिजेक्ट कर दिया गया था, जिसमें से कुछ ऐसी महिलाएं भी शामिल है जो विधवा है और उसको इस लाभ से वंचित कर दिया गया है। वैसे योग्य किसान को पुनः जोड़ने का निर्देश दिया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत चल रहे कार्यों की प्रखंडवार समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को धीमी गति से चल रहे कार्यों को लेकर सख्त निर्देशित किया गया है कि तय समय अनुसार शेष बच्चे कृषकों को केसीसी से लाभान्वित करते हुए उपायुक्त कार्यालय को अवगत कराने का निर्देश जारी किया गया है। नहीं है हस्बैंड नहीं है तो आई थी कैसे तो इति खेती का इति हम लाभ ले सकते हैं कि कै बार मिला था आपको पैसा? एक बार। उसके बाद नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। तो जिसका है तो इति हस्बैंड के नाम से खेती का इति लाभ ले सकता है, जिसका नहीं है तो कैसे ले सकते है? तो अभी जैसे कि राज्य सरकार का निर्देश के अनुसार हम लोग जो पीएम किसान के जितने भी होल्डर्स लाभुक हैं उन सभी लोगों को केसीसी से लिंक कर रहे हैं। तो लगभग देवघर जिला में 65,000 लोग ऐसे किसान हैं जो पीएम किसान लाभुक भी हैं लेकिन उनको केसीसी पे अभी तक लिंक नहीं हुआ। तो अभी कल ही हम सारे प्रखंड विकास पदाधिकारी और कृषि विभाग के सभी BTM, ATM और कृषि मित्र उन सभी लोगों से बैठक की है और उनको निर्देश दिया गया है कि 30 जुलाई से पहले ये जितने भी छूटे हुए हैं उन सबको KCC से लिंक कर देने के लिए। और इसी के संबंध में कल 12 बजे हर एक प्रखंड में BDO लोग जो हैं गूगल मीटिंग एक ऑनलाइन सम्मेलन PM किसान लाभुक लोगों के से करेंगे 12 बजे दोपहर को, कि किसी तरह का कोई उनको परेशानी तो नहीं है आवेदन भरने में या KCC लाभ मिलने में। तो सर इसमें से कुछ विधवा महिला जो है उनको तो लाभ नहीं मिल पा रहा है, सर उसके लिए क्या? तो वैसे शुरुआत देखिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में लगभग 50,000 लोगों को मिलता था और आज की तारीख में 2 लाख से ऊपर भी 2,25,000 से ऊपर किसानों को मिल रही है। लेकिन अगर ऐसे कोई किसान है या जैसे आप लोगों ने बताया जो महिलाएं बहन हैं तो उनको अगर एलिजिबल है नहीं मिल रहा तो उनको निश्चित रूप से अगर प्रखंड विकास पदाधिकारी के यहाँ जाए या जिला प्रशासन के यहाँ से आएंगे तो हम लोग उनको लिंक कर देंगे और इसके संबंध में हम लोग कृषि मित्र और जनसेवक को भी निर्देश दे रहे हैं।